हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगी घर पर आप कोकोनट से किस तरह से कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसी मिल्क से क्रीम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है एक नारियल, जिसे मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये पूरा नारियल हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसमें मिलाना है एक कप हल्का गरम पानी। इसे हमें ग्राइंड करना है पूरे एक मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं पूरा ग्राइंड हो गया है। चलिए अब हम इसे स्क्वीज करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है, जिस पर हमें एक मलमल का कपड़ा रखना है और इसमें नारियल डाल देंगे। अब हम स्पून के बैक साइड से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब हम हाथों से इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। ये हमने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है, जो कि थोड़ा थिक होता है। अब कोकोनट का हम दूसरा एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, जिसके लिए हमें सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। ये देखिए, कोकोनट मिल्क का सेकेंड एक्सट्रैक्ट भी निकल गया। ये पहले के मुकाबले थोड़ा सा थिन होता है। ये हमारा पहला एक्सट्रैक्ट और सेकेंड एक्सट्रैक्ट दोनों तैयार है। तो चलिए अब हम इसी कोकोनट से कोकोनट क्रीम कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें कोकोनट मिल्क का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट चाहिए, जिसे हमें फ्रिज में रखना है 10 से 12 घंटों के लिए। तो मैंने इसे ओवरनाइट रखा था और अभी आप देख सकते हैं क्रीम और पानी दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अब इस क्रीम को हम दूसरे एक बर्तन में स्कूप अप कर लेंगे। इसको निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साथ में पानी भी ना आ जाए। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट मिल्क से क्रीम अलग कर लिया है। इसका इस्तेमाल आप बहुत सारे डेजर्ट्स में कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम के साथ इसे व्हिप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह इन दोनों का इस्तेमाल एक केक बनाने में करेंगे। तो कीप वॉचिंग, और जो नए व्यूवर हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।